हमारे गुरु दादा भगवान गीता भगवान अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों धनवत प्रणाम है, करोड़ों करोड़ों नमन है। तो आइए हम लोग राम कथा सुनते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसका वो बता दूं कि सबसे पहले सगर हुए चक्रवर्ती सम्राट थे और उन्होंने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, तो इंद्र ने छिपा लिया उस घोड़े को और उनके पुत्र या सगर के पुत्र उसको खोजने को चले तो कपिल मुनि के आश्रम में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ घोड़ा बंधा हुआ, वो इंद्र की करतूत थी। तो उन्होंने बड़ी जोर से कपिल मुनि के ऊपर क्रोध किया तो कपिल मुनि ने अपनी जो कि ध्यानस्थ थे अपनी आंखें खोली तो सब भस्मीभूत हो गए। अब इनको ढूंढने के लिए सगर का पौत्र अंशुमान निकला तो अंशुमान ने कपिल भगवान की स्तुति करी और मुनि ने कहा कि तुम्हारे पितामह का घोड़ा है यज्ञ का घोड़ा है, इसे ले जाओ। तुम्हारे दादाजी का घोड़ा है यज्ञ का, इसे ले जाओ। ऋषि ने पूछा भाई मेरे चाचाओं का उद्धार कैसे होगा, तो सब आपके उसमें ज्ञान अग्नि में जलकर भस्म हो गए। तो उन्होंने कहा इनका उद्धार होगा आप लोग गंगा को प्रसन्न करें, जब गंगा यहाँ आएगी तभी इनका उद्धार होगा। तो गंगा को प्रसन्न करने के लिए अंशुमान ने, फिर उनके पुत्र दिलीप ने, फिर दिलीप उन्होंने तप किया, फिर भगीरथ ने तप किया। तो जब तीनों का तप इकट्ठा हुआ अंशुमान दिलीप और भगीरथ, तब गंगा अवतरण हुआ। तो उनका इसी प्रकार तीन चार जन्म का तप पुण्य एकत्र होने पर ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। जब तीन चार जन्म का पुण्य इकट्ठा हो तब ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। आगे चलकर इस देश में खटवांग नामक राजा हुआ, तो ये सब भगवान राम के पूर्वज हैं। खटवांग नाम का राजा हुआ, खटवांग भी इन्हीं की भगवान रघु वंश में ही थे। उसने देवों की ओर से जाना ही कि दो घड़ी में के बाद ही मृत्यु होगी, तो उसने वह सब कुछ छोड़कर भगवान से मन जोड़ लिया। परमात्मा का ध्यान करते हुए उसने देह त्याग किया, उसे सद्गति मिली। इस प्रकार मात्र दो घटिका यानी 39 मिनट में खंडवांग ने आत्मकल्याण कर लिया, यानी 50 मिनट। खटवांग के बाद दीर्घायु राजा हुआ उसके बाद हुए रघु। रघु महाज्ञानी और उदार थे। रघु की क्या बात थी कि रघु महाज्ञानी भी थे उदार भी थे। अंत में उसने सर्वस्व का त्याग कर दिया, धोती तक का त्याग कर दिया, उसकी बड़ी कीर्ति फैली। इस कारण से सूर्यवंश का नाम रघुवंश हुआ। रघु राजा ने कई यज्ञ याग भी किए जो भगवान के वंश को संभालता है, उसके अपने वंश का कभी नाश नहीं होता। राजा रघु के घर अज नामक राजा हुआ और अज के बाद दशरथ हुए। दशरथ अयोध्या में राज करते थे, वे पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हम राजा दशरथ तक आ गए। राजा दशरथ की तीन पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तीन पत्नियां होने पर भी दशरथ जी एक भी संतान नहीं थी। तो उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा भी मैं क्या करूं, कोई भी संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम पुत्र काष्ठी यज्ञ करो, इस यज्ञ से तुम्हारे चार पुत्र होंगे। तो पुत्र काष्ठी यज्ञ हुआ और यज्ञ इतना सफल हुआ कि उसमें से अग्नि देवता ने स्वयं निकलकर उनको खीर प्रदान करी और कहा कि इनको अपने तीनों पत्नियों को खिला दो और उनको पुत्र प्राप्ति होगी। तो उन्होंने कहा कि आधा भाग खीर का देना कौशल्या को, वशिष्ठ जी ने बताया दशरथ जी को, और उसका चौथाई भाग देना कैकेयी और सुमित्रा को। तो उन्होंने आधा भाग तो उसको दे दिया कौशल्या को दशरथ जी ने। तो तुलसीदास ने कहा कि जब उसको दिया गया कैकेयी को, तो कैकेयी तुलसीदास जी कहते हैं कि कैकेयी शुरू से कर्कशा थी, तो उसने झगड़ा किया कि मुझे प्रसाद बाद में क्यों दिया गया। तो उसने उसको बाहर खिड़की पर रख दिया, कोई कहता है फेंक दिया। तो एक चील आई उसको उठा के ले गई और उसने वो पर्वत पर अंजनी माता जो है तपश्चर्या कर रही थी, तो एक चील या दमड़ी जो भी कुछ कह लीजिए वो आई और उड़ती हुई और उनको वो खीर का कटोरा दे गई।
ऊन और खीर पाली और उनके गर्भ में हनुमान जी पैदा हुए। तो हनुमान जी जो है राम के पांचवें भाई हैं। अब कैकेयी को प्रसाद गंवाने का दुख पश्चाताप होने लगा। तब कौशल्या बड़ी उदार थी, उन्होंने अपने भाग के प्रसाद से कुछ अंश कैकेयी को दिया। सुमित्रा ने भी कैकेयी को थोड़ा सा प्रसाद दिया। इस प्रकार तीनों रानियों ने प्रसाद खाया। उन्हें अपने घर को अयोध्या से बनाओ, जहाँ युद्ध क्लेश नहीं है वही अयोध्या, जहाँ घरों में झगड़ा नहीं है वही अयोध्या है। सरयू नदी अर्थात भक्ति प्रवाह के किनारे पर रहने से शरीर भी अयोध्या बनेगा। तुम्हारे घर में भक्ति होगी, जीवन में भक्ति होगी, तो तुम्हारा घर भी अयोध्या बनेगा और नगरी में बसा हुआ जीवात्मा दशरथ जितेंद्रिय बनेगा। जो सभी को प्रसन्न करता है उसके यहाँ सर्वेश्वर आते हैं। दशरथ सभी रानियों की इच्छा जान लेते थे। सुमित्रा कहती थी वह तो कौशल्या की सेवा में रहना चाहती है। दशरथ ने सोचा कि इसका पुत्र महाज्ञानी हो। सुमित्रा के कौन हुए? लक्ष्मण। और कैकेयी के कौन हुए? भरत और शत्रुघ्न। राम के गर्भ जन्म के समय से ही कौशल्या तो ईश्वर के ध्यान में लग गई। उनका सहज सुमिरन चलता रहता था। वो हर समय राम 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 राम, राम जपती रहती थी। कौशल्या के रोम रोम में परमात्मा के मंगलमय नाम का जप होता रहता था। दशरथ ने कौशल्या से पूछा, महारानी आपकी क्या इच्छा है? कौशल्या ने कहा, इच्छा ही तो दुख का कारण है, मुझे सुख की इच्छा नहीं है। मैं खुद ही आनंद स्वरूप हूँ, मुझे तो केवल मेरा ध्यान करने दीजिए। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरु जी कौशल्या तो ऐसी बातें कर रही हैं। तो उन्होंने कहा, ये तो बहुत शुभ लक्षण है। नव मास परिपूर्ण होने को आए, एक रात्रि को दशरथ जी ने स्वप्न देखा कि उनके आंगन में कुछ ऋषि महात्मा आए हैं और जगा रहे हैं। राजा ने स्वप्न में सरयू में स्नान, स्वप्न में दशरथ जी ने सरयू में स्नान किया, श्री नारायण का पंचामृत से अभिषेक किया और स्वप्न में ही लक्ष्मी नारायण की आरती करी और दर्शन कर उन्होंने लक्ष्मी नारायण का दर्शन किया। उन्हें लगा कि प्रभु भी प्रसन्न है। इस सुंदर स्वप्न की समाप्ति के बाद वे जाग गए। इसमें लिखा है कि अच्छे स्वप्न के बाद सोना नहीं चाहिए। राजा ने सोचा, इस स्वप्न के सिवाय गुरु जी से निवेदन करना चाहिए। वे वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा, आप इतने प्रातः क्यों आए? तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा है। तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने आज स्वप्न में लक्ष्मी नारायण की आरती की, मैंने ये भी देखा कि नारायण का दिव्य तेज कौशल्या के गर्भ में जा रहा है। इस स्वप्न का फल उत्तम होगा, तुम्हारे घर भगवान नारायण के आगमन की इसमें सूचना है। मुझे विश्वास है इस स्वप्न का फल तुम्हें 24 घंटे में मिलेगा। राजा आनंद से झूमने लगे। उनके घर स्वयं भगवान जो आ रहे हैं। उन्होंने सरयू में स्नान किया, भगवान की पूजा में लीन हो गए। इधर कौशल्या भी प्रभु ध्यान में मगन है। आज परम पवित्र रामनवमी का दिन है। जे ही दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल ता चली आवई। भगवान शंकर ज्योतिष के वेश में अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। उनके इष्ट देव हैं बालक राम। प्रातःकाल से देव गंधर्व प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैष्णव जन जब तक अत्यंत आतुर नहीं होते तब तक भगवान का जन्म नहीं होता। पवित्र समय आया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष और नवी तिथि मध्याह्न का समय आया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी के दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सोम हित लागी जन अनुरागी
भयो प्रकट श्रीकंता विप्रदीनु सुसंत लीने मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर राम चंद्र की जय रघुपति राम चंद्र की जय। दशरथ के घर साक्षात परब्रह्म श्री हरि प्रकट हुए। जो निर्गुण थे वही भक्तों के प्रेम के कारण आज सगुण हुए। अगुण रूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुण सुसोई। वेदों ने जिनको इस प्रकार वर्णन किया है वही श्री हरि भक्तों के हितार्थ आज दशरथ के घर पुत्र का रूप लेकर आए हैं। अब इसमें ये ज्ञान के कुछ पद हैं। ये पहले हमको जब आत्मज्ञान चलता था तो बहुत सुनाए जाते थे, पढ़ देते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिन काना, वो ऐसे राम हैं, आत्मा राम हैं कि जो बिना पैरों के चलते हैं और बिना कानों के सुनते हैं। कर बिनु कर्म करई निधि नाना, बिना हाथों के काम करते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, सब रसों के भोगता है। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के बोलते हैं। तन बिनु रस नैन बिनु देखा, बिना नैनों के देखते हैं। ग्राही घ्रान बिनु आ बास विशेषा, अति सब बिना नाक के सूंघते हैं। अति सब भांति अलौकिक करनी, उनकी सब करनी अलौकिक है। महिमा जासु जाई नहीं भरनी, जेही इवी गावई वेद बुद्ध जाही धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशल्यापति भगवान। तो जो आत्मा राम है, जो सभी को मतलब जो निराकार चेतन तत्व है, वही दशरथ जी के यहाँ राम बनकर आए हैं। आकाश में से देव और गंधर्व ने पुष्पवृष्टि की। आज बताया कि मैं अपने भक्तों के चारों ओर रक्षा करता हूँ, सो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ हूँ। माता जी ने स्तुति करी, प्रभु आप मेरे लिए बालक बन जाइए, मुझे माता कहकर पुकारे। माता जी को उन्होंने दिखाया कि वे परमात्मा हैं, उनका चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और दो छोटे छोटे हाथ के बालक बन गए। दासियों में भी ये शुभ समाचार फैल गया। कौशल्या ने दासी को 9 लखा हार दिया। मेरे राम सुखी होगा, मैं आनंद से दे रही हूँ। दासी ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो राम को खिलाना चाहती हूँ, किसी को कुछ नहीं चाहिए। राम आए ना, भगवान आए, भगवान के आगे क्या चाहिए। राम दासी को गोद में गए, आज उनका भी ब्रह्म संबंध हुआ। दासी दौड़ी हुई राजा के पास आई और बधाई दी, लाला भये हुए लाला, लगता है साक्षात नारायण आए हैं। वृद्ध दशरथ जी के घर पुत्र जन्म हुआ और पुत्र भी साधारण नहीं, साक्षात परमात्मा पुत्र का रूप लेकर आए। दशरथ जी ने वस्त्र आदि से श्रृंगार किया और प्रथम गणपति की पूजा की गई। दान तो इतना दिया कि सारी अयोध्या की दरिद्रता खत्म हो गई। वशिष्ठ जी ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके मानसिक अभिषेक किया और दशरथ जी अंत्यपुर में गए। आज राम के दर्शन से सारी दासियां इतनी हर्षान्वित हो गईं कि वे देवानी भूल गए, परमानंद हो गया। देव गंधर्व आदि भी सूक्ष्म रूप से पुत्र राम के दर्शन कर रहे हैं। राम जन्म से सभी देवों को आनंद हुआ, किंतु एक चंद्र बहुत दुखी है। चंद्रमा रो रहे हैं कि सूर्य हट ही नहीं रहे, तो मैं कैसे आपके दर्शन करूं। जब चंद्र रोने लगे तो रामचंद्र ने आश्वासन दिया कि मैं अपने राम के आगे चंद्र लगाऊंगा, मेरा नाम होगा रामचंद्र। तो उन्होंने कहा, तू धीरज धर। तो फिर उन्होंने कहा, फिर राम ने उस चंद्र नहीं माने, तो उन्होंने कहा जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तब मैं रात्रि में 12 बजे आऊँगा तो सूर्य होगा ही नहीं, तो खाली तू दर्शन करना। दशरथ ने बाल स्वरूप देखा तो उनका हृदय प्रेम से भर आया। दशरथ के आनंद का वर्णन तो सरस्वती भी नहीं कर सकती। पिता पुत्र की दृष्टि मिली, बालक हंस दिया। दशरथ राम को मधु चटाने लगे। उन्होंने वशिष्ठ जी से वेद मंत्रों का पाठ करने को कहा। वशिष्ठ जी राम के दर्शन करने पर, मैं वेद मंत्र तो क्या अपना नाम भी भूल गया हूँ, मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। दर्शन में नाम रूप भूलने का दर्शन का बड़ा आनंद होता है, ब्रह्म दर्शन का आनंद होता है। कौशल्या बालक राम को गोद में उठाकर बाहर आई। अयोध्या की प्रजा ने राम लला का दर्शन किया।
किसी को भूख प्यास तक का भान नहीं हुआ। राम के बिना आराम नहीं, भगवान के बिना जगत में आराम नहीं। जीव मात आराम चाहता है, जीव मात शांति का उपासक है, ऐसी शांति का जो कभी भंग ना हो। राम की मर्यादा का पालन करोगे तो जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। मनुष्य राम के जीवन की मर्यादा को जीवन में उतारता नहीं, अतः उसे सच्ची शांति मिलती नहीं। धर्म का फल है शांति, अधर्म का फल है अशांति। धर्म की मर्यादा का पालन न करने पर शांति नहीं मिलती। स्त्री और पुरुष को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मानव जब मर्यादा का उल्लंघन करता है तब अशांति आती है। धर्म मर्यादा के बिना ज्ञान भक्ति का त्याग सफल नहीं हो सकते। कह रहे हैं आजकल मंदिरों में कथाओं में भीड़ तो बहुत बढ़ गई है और ज्ञान और भक्ति बहुत बढ़ गए हैं, पर फिर भी शांति किसी को नहीं है। इसका कारण है कि लोग धर्म और मर्यादा का पालन नहीं कर रहे। तो जब तक हम अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे, धर्म क्या है? राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? तो उन्होंने सब धर्म फॉलो करे। उनके अंदर माता पिता भक्ति थी, वो अपने माता पिता की बहुत भक्ति करते थे। जो बच्चा माता पिता की सेवा नहीं करता तो वो उसका कभी उद्धार नहीं होता। फिर रामचंद्र जी ने गुरु बनाए, हमेशा गुरु के अंडर में रहे। वशिष्ठ जी उनके गुरु थे तो हमेशा गुरु के संरक्षण में रहे। उनको जब उनका राजाभिषेक होने वाला था तो कैकई ने दो बार मांग लिए, तो उन्होंने कैकई ने कहा कि तुम्हारे पिता की इच्छा है कि तुम जाओ, तो उन्होंने कहा पिता की इच्छा है तो मैं जरूर जाऊँगा, और वो तो प्रसन्न मन से चले गए। माँ ने पूछा तुम्हें तो अयोध्या का राज मिलने वाला था। कौशल्या के माता के पास जब प्रणाम करने गए तो उन्होंने कहा तुम्हें तो राज मिलने वाला था, तो राम जी बोले हाँ पिताजी ने मुझे जंगल का राज दिया। सर्व समर्थ राम जी कहते हैं पिताजी का आज्ञा उल्लंघन करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं। उनका बंधु प्रेम अलौकिक है। राम जी खेल कूद में अपने छोटे भाइयों को हमेशा जिता दिया करते थे और कभी उन्होंने उनका दिल नहीं दुखाया। हमेशा उनकी मर्यादा की मतलब हमेशा उनको जिता देते थे और खुद हार जाते थे। हरिहर तो हाला भरा जीतन दे संसार, बोले इतना प्रेम दिया उन्होंने अपने भाइयों को बड़े भाई होने के नाते कि तभी जो है भरत को राजगद्दी मिली। फिर भी उन्होंने राजगद्दी का त्याग किया और अपने भाई जिनकी वो गद्दी थी उस पर उनके चरण पादुका रख कर राज किया और लक्ष्मण उनके साथ वन में चले गए। और आजकल क्या है, आजकल घर घर में लड़ाई है। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों है? क्योंकि उन्होंने हर मर्यादा का पालन किया। राम में इतनी उदारता थी, उनकी उदारता दिव्य है। जब विभीषण आए तो उन्होंने उनका राजतिलक कर दिया, तो उसने पूछा, सुग्रीव ने पूछा कि आपने विभीषण को तो राज दे दिया लंका का, और अगर रावण आकर सीता को वापस कर दे और कह दे कि तो आप वापस लौट जाइए, मैंने सीता आपको वापस किया, तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा अयोध्या की गद्दी अभी खाली है, मैं उसको अयोध्या का राज दे दूंगा और आजीवन वन में रह जाऊंगा। इतना बड़ा दिल है राम का। राम जी को संयम बहुत था, एक वचन एक वाणी और एक पत्नी व्रतधारी थे। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। फिर एक और प्रसंग आता है कि एक बार इंद्रजीत जो थे वो रावण के पुत्र थे और उनका सर काट दिया लक्ष्मण ने, और वो उनका सर जाके सुलोचना के आंगन में गिरा। सुलोचना उनकी पत्नी थी और बहुत पतिव्रता थी। उसने कहा कि ये मेरे पति का सर किसने काटा है? तो हाथ आकर गिरा इंद्रजीत का और उसने लिखा लक्ष्मण ने। तो रोने लगी बहुत, कहने लगी मैं भी सती होंगी। तो रावण ने कहा सती होने से क्या फ़ायदा, तुम राम के पास जाओ। सुलोचना बहुत सुंदर थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम राम के पास जाओ, मैं उनसे वैर रखता हूँ पर वो मुझसे वैर नहीं रखता। कि तो उसने कहा कि मैं तो पतिव्रता हूँ, तो मेरे पति क्यों मरे, उनकी हत्या क्यों हुई? उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने असत्य का साथ दिया, अनीति का साथ दिया और मैं नीति के साथ हूँ। तुम्हारे ससुर ने रावण ने सही किया, अगर तुम कह दो सही किया तो मैं लौट जाऊँगा, मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जा रहे, मैं किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता।
तो योजना वापस आ गई। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पति ने अन्याय का साथ दिया इसलिए मैं विधवा हुई। और मतलब राम जी इतने उदार थे, बोले राम ने कभी मोह नहीं करा। दशरथ जी में मोह था पर राम जी में मोह नहीं था। जब राम जी गए जंगल में, वन में गए, तो सब उन्हें लौटाना चाहते हैं। और फिर जब भरत राजा बन गए तो फिर भरत राज स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो वन में गए और तीनों माताएं भी गईं, वशिष्ठ जी भी गए और उनकी ससुर भी, मतलब राजा जनक भी आए, उनकी माता सुनैना भी आई, सब आए। और उन्होंने कहा कि आप वापस चलिए। वशिष्ठ जी ने भी कहा वापस चलिए, पर राम जी ने मना कर दिया। उन्होंने जनमत का साथ नहीं दिया, उन्हें नीति का साथ दिया। उन्होंने राम ने सबसे पहले कैकेयी को नमन किया। उन्होंने कहा सब लोग कैकेयी से समय चिढ़ते हैं, सब उसके अगेंस्ट हैं, तो अगर मैं उसका वंदन करूँगा, मैं उसको प्रणाम करूँगा, तो वो लोगों के मन में जो द्वेष है वो इसके प्रति कम हो जाएगा। उन्हें पता नहीं किसको पहले प्रणाम करना चाहिए, राम को, कौशल्या को करना चाहिए, उन सबसे पहले कैकेयी को प्रणाम किया। उनके मन में जरा भी द्वेष नहीं राम के मन। तब राम को क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, क्यों राम का इतने गुण गाए जा रहे हैं, क्यों इतना बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है, क्यों इतनी महिमा गाई जा रही है, उसके पीछे बहुत से कारण हैं। प्रथम राम भेटी कैकेयी, उन्होंने सबसे पहले भेंट कैकेयी से करी ताकि कैकेयी माँ को लेकर सबकी धारणा बदले। कैकेयी भी विलाप कर रही है, कहती है, कहते आत थे ये सभी सभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कैकेयी कहती है कि यह सुना है, सब लोग कहते हैं कि माता कुमाता कभी नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर हाय आज ये विरुद्ध सुने विधाता, है पुत्र पुत्र ही बनी कुमाता माता। पुत्र तो पुत्र ही रहा पर माता कुमाता हो गई, मैं कुमाता कैसे हो गई। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी ये अभागनी रानी, थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई कह सके कह जो चूके, लेकिन इतना मांगती हूँ राम की, छीने ना भरत का किंतु मात पद मुझसे, हे राम दुहाई करूँ और क्या तुझसे। कैकेयी कहती है कि भले ही लोग दुनिया मुझ पे थूके, भले ही मुझ पे मेरे पे कलंक लग गया, पर मैं तुमसे एक चीज़ मांगती हूँ, भरत मुझे माता कह दे, भरत जो है का मातृपद मुझसे मच्छी, वो मुझे माता कह दे। भीख मांग रही है राम से, प्रार्थना कर रही है। और कहते हैं कि भरत ने उनको जीवन भर राम माता नहीं कहा, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ किया उसने उनको माता नहीं। राम भी बोले, आप मेरी वही कैकेयी माँ हैं जिनके पास मैं आधी रात को कौशल्या माँ से कहता कि मुझे डरावना सपना आया है, आप मेरी कैकेयी माँ के पास सुला दो। तो माँ सौ बार धन्य एक एक लाल की माई, जिस जननीय है जना भरत सब। जिसे सुन लीजिए, तो माँ सौ बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सब। तो ये हमने कुछ राम जी के गुण बताया आपको कि राम जी जो हैं उनके अंदर क्या गुण थे। राम की मर्यादा का पालन करोगे तो जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। सभी दिव्य गुण जिसमें एकत्रित होते हैं वही परमात्मा है। लक्ष्मण विवेक का, भरत वैराग का, शत्रुघ्न सद्विचार का स्वरूप है। भरत और शत्रुघ्न अर्थात वैराग और सद्विचार यदि अयोध्या में नहीं है तो दशरथ कैकेयी के अधीन हो जाते। कह रहे दशरथ चंदन और पुष्प से राम की सेवा करना अच्छा है पर उनकी मर्यादा का पालन नहीं करा तो कोई फायदा नहीं, कोई लाभ ना हो। श्री राम का जीवन तो ऐसा पवित्र है कि उनके स्मरण मात्र से ही हम पवित्र हो जाते हैं। वर्तन यदि रावण सा है और जप राम का कर रहे हो और पूजा राम की कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं। रामचंद्र जी का अवतार राक्षसों के संहार हेतु नहीं, मनुष्यों को उच्च आदर्श बताने के लिए था। उनका अवतार जगत मानव धर्म उपदेश के लिए था। वाल्मीकि ने राम के लिए उपमान ढूंढा किंतु एक ना मिला। राम तो राम ही है,
मनुष्य चाहे किसी भी देव या देवी में श्रद्धा रखे, चाहे विष्णु को पूजे चाहे शंकर को, किंतु उसका वर्तन राम जैसा ही होना चाहिए। बोले जिसका व्यवहार राम जैसा होगा उसकी भक्ति सफल होगी। राम का ऐसा नहीं है कि अमुक लीला अनुकरणीय है, अमुक लीला अनुकरणीय नहीं है, उनकी सब लीला अनुकरणीय है। कहते ना भगवान कृष्ण की वाणी तो सुनो पर उनकी लीलाओं का अनुकरण मत करो, कर ही नहीं सकता मनुष्य। कौन कलिया नाक पे नाक सकता है, गोवर्धन पर्वत उंगली पे उठा सकता है, कोई नहीं कर सकता ना। तो पर राम की हर लीला का आप अनुकरण कर सकते हैं। मनुष्य एक ओर तो पुण्य करता है और दूसरी ओर पाप भी करता है, परिणामतः उसके हाथ कुछ नहीं लगता। राम माता पिता की आज्ञा हमेशा मानते थे, कभी स्वतंत्र ना बने, वे हमेशा दशरथ कौशल्या को प्रणाम करते थे। आजकल की प्रजा अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए लजाती है। तुच्छ है तुम्हारी ये पढ़ाई जो माता पिता को प्रणाम करने से रोकती है। माता पिता में कभी दोष नहीं देखने चाहिए, अम्मा जी बहुत कहते थे, माता पिता में कभी दोष नहीं देखने चाहिए। दशरथ जी ने तीन विवाह करे पर राम जी एक पत्नी व्रत रहे, उन्होंने दशरथ जी से कभी नहीं कहा कि आपने तीन विवाह क्यों किए। तो माता पिता के कभी दोष नहीं देखने चाहिए। पिता की धन संपत्ति लेने में तो हमें कोई संकोच नहीं होता, पर उन्हें प्रणाम करने में लाज आती है। ऐसे तो उदार जगमाही बिन सेवा जो द्रवें दीन पर राम सरिस को ना है। राम में सभी सद्गुण इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने एक पत्नी व्रत का पालन किया, अपने से बड़ों को जो भी अच्छा लगा उसे जीवन में उतारा, उन्होंने दशरथ जी को से सभी कुछ लिया किंतु बहु पत्नित्व को नहीं लिया। कह रहे हैं निर्दोष तो केवल परमात्मा ही है। हो सकता है कि गुरु जी में भी दोष हो, पर शिष्य को उनके दोषों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दोष जब तक आकार है तो विकार तो रहता ही है। इसलिए अगर गुरु जी में कोई दोष है तो उसको छोड़ देना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छा एक प्रसंग आता है, तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी जो हैं वो सीता जी से अशोक वन में मिलने गए। उन्होंने कहा आप आज्ञा करें तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंधे पर बिठा के। उन्होंने देखा भी कि ये राक्षसी बहुत तंग कर रही है इनको, सीता जी को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तू मेरा पुत्र समान है, पर है तो तू पर पुरुष, तो इसलिए मैं तेरे कंधे बैठ के नहीं जाऊँगी, जब रघुनाथ जी आएंगे तब मैं उनके साथ जाऊँ। राम की मातृ पितृ भक्ति अलौकिक है, बंधु प्रेम भी दिव्य है, बड़ों का दिल कभी ना दुखाना। कैकई ने राम को वनवास दिया तो उन्होंने उसे प्रणाम करके कहा माता जी मेरे भाई भरत यदि राजा बनने वाला हो तो मैं 14 वर्ष क्या आजीवन वनवासी रहने को तैयार हूँ। यह तो तुम्हारा मेरी ओर पक्षपात है, भरत की अपेक्षा तुम मुझसे अधिक प्रेम करती हो। मुझे ऋषियों मुनियों का सत्संग मिलने का लाभ मिले, इस हेतु ही तुमने ये वनवास दिया। मेरे कल्याण के कारण ही तुम मुझे आज वन में भेज रही हो। शिव जी हर रोज उमा को इस राम की कथा कराते हैं, हनुमान जी भी रोज सुनते थे इस राम कथा को। एक बार देव ऋषि और मनुष्य शिव जी के पास रामायण मांगने गए। रामायण के 1 करोड़ श्लोक हैं, शिव जी ने 3 करके तीनों को बांट दिए, 90 श्लोक बांट दिए, 90 श्लोक 30-30 सबको दे दिए, देव ऋषि और मनुष्य को। फिर 10 बचे तो 3-3 सबको बांट दिया, 1 श्लोक बचा। तो उन्होंने कहा कि भैया आप क्या करें। देव ऋषि और मनुष्य इस शेष बचे हुए श्लोक के लिए झगड़ने लगे। शिव जी को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, बोले जब लड़ाई झगड़ा होगा तो राम अयोध्या छोड़ जाएंगे। शिव जी ने कहा श्लोक 1 है, उसकी इच्छा करने वाले 3 हैं, इस श्लोक में 32 अक्षर हैं। तो शिव जी ने 10-10 अक्षर तीनों को दे दिए, 32 अक्षर हैं, 2 अक्षर बचे। तो उन्होंने कहा ये मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मैं अपने हृदय में रखूंगा। तो शिव जी ने राम को अपने हृदय में रख लिया। बोलिए रघुपति रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान शंकर रामायण के आचार्य हैं, वे जगत को बताते हैं कि मैं विष पी गया फिर भी राम नाम के प्रताप से मुझे कुछ नहीं हुआ। जीवन में विष पीने के कई प्रसंग आते हैं, कई बार हमारा अपमान होता है, हमें डांट पड़ जाती है, हमें बुरी तरह कर दिया जाता है, दुख आता है जीवन में, हमारे पैसे की तंगी हो जाती है, और भी बहुत सारे कारण आते हैं। जब भी ऐसा कटु प्रसंग आए प्रेम से श्री राम बोलो। राम नाम से कंठ में अमृत झरता है जो विष को नष्ट कर देता है। राम नाम लेकर मैं विष पी गए तो मैं अमृत बन गया।
संसार में भी निंदा वैर व्याधि आदि विष ही हैं। ऐसे संसारिक विष जब भी जलाने के लिए पहुँचे तो भगवान के नाम का जप कर, हरे कृष्ण जप कर। जब भी परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए 15 मिनट भगवान के नाम का जप करो, इससे शिव जी को शमशान में भी शांति मिलती है। नाम नाम कह रहे हैं चारों बालक जो हैं राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत, चारों बालक कौशल्या के आंगन में खेल रहे हैं और धीरे धीरे वे बड़े होने लगे। आपको बता ही दिया कि राम जी जो हैं वो अपने भाइयों की आंखों में आंसू नहीं देख पाते थे और उनका बंधु प्रेम बहुत ज़्यादा था। आज तो कह रहे हैं लोग रामायण पढ़ते हैं, राम का जप भी करते हैं, पर भाई भाई से कोर्ट में लड़ता है जमीन के। यदि बड़ा भाई राम बनेगा तो छोटा भाई भरत लक्ष्मण जैसा होगा। यदि बड़ा भाई राम जैसा बने और छोटा भाई भरत जैसा बने तो सारा जगत आज भी अयोध्या बन सकता है। भरत को राज मिला फिर भी उसने त्याग दिया। बड़े भैया अयोध्या में नहीं थे तो स्वयं महल में न रह के नंदीग्राम में पण कुटीर बनाकर तपश्चर्या करने लगे। भरत जी की तपश्चर्या की जगत के महापुरुष भी भूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। भरत कैकई से कहते हैं कि बड़े होते हुए भी राम जी मुझे मान देते हैं। राम ने बाल लीला में भी मर्यादा भंग नहीं की। अब राम जो है 16 वर्ष के हो गए, उन्हें वैराग आ गया कि क्या संसार है, इसमें तो लोग क्षण क्षण मर रहे हैं। तो उन्हें बहुत वैराग की प्राप्ति हुई और वो वशिष्ठ जी के पास गए। तो वशिष्ठ उन्होंने पहले पूरे जगत की यात्रा करी और यात्रा करके उन्होंने सब जगत को देखा तो उन्हें वैराग हो गया। फिर जाके कमरे में बैठ गए तो वशिष्ठ जी ने उन्हें योग वशिष्ठ सुनाई। प्रारब्ध को भुगतना ही चाहिए किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न ना हो जाए ये भी देखना चाहिए। अब वशिष्ठ जी कहते हैं, मतलब इसमें जो योग वशिष्ठ है, तो वशिष्ठ जी कहते हैं वैराग को अंदर ही रखना, प्रारब्ध को भुगतना ही चाहिए किंतु नया प्रारब्ध ना उत्पन्न हो जाए ये भी देखना चाहिए। कहने प्रारब्ध को तो भोगना ही चाहिए परंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न ना हो जाए ये भी देखना चाहिए। मन में संसार साथ साथ घर आएगा, बाधक नहीं है किंतु घर की वस्तुएं ही आसक्ति बाधक है। कहने घर में रहो या वन में रहो, संसार तो मन में रहता है, तो घर की वस्तुएं बाधक नहीं, उनमें आसक्ति बाधक। हमारे गुरु कहते हैं कि हीरा पहनने के तुम तभी अधिकारी हो, अगर हीरा खो जाए तो तुम्हें दुख ना। ज्ञानी पुरुषों को भी भाग तो झेलना ही पड़ता है। रामचंद्र जी का वैराग दूर हुआ और वे 16 वर्ष के हो गए। अब उस समय विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हो रहा था, उसमें मारी सुबाहु आदि राक्षस बाधा डाल रहे थे। विश्वामित्र ने सोचा कि रामचंद्र जी ही मेरे यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं, अयोध्या जाके राम लक्ष्मण को ले आऊँ, दर्शन से कृतार्थ भी हो जाऊंगा। भागवत में रामचरित का आरंभ इसी प्रसंग से किया गया है। विश्वामित्र अयोध्या में आए, सरयू में स्नान किया, फिर महाराज दशरथ की सभा में पहुंचे। दशरथ ने स्वागत करते हुए नमन किया, मेरे पूर्वजों के पुण्य प्रताप से आप जैसे ऋषि मेरे घर आए, क्या सेवा करूं मैं आपकी। विश्वामित्र ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न कर रहे हैं, सो राम और लक्ष्मण को मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे साथ भेजिए। विश्वामित्र की ऐसी मांग से राजा घबरा गए। दशरथ जी ने कहा, मुनिवर आपने ठीक नहीं मांगा, ये बालक मुझे वृद्ध अवस्था में मिले हैं, मुझे तो संतान की कोई आशा भी नहीं थी, किंतु सर्वाधिक मुझे राम प्रिय हैं, राम के बिना मैं जी नहीं सकता, उसे मेरी आँखों से दूर ना करें, मैं आपसे क्या कहूँ। राम मुझे प्रतिदिन 2 बार साष्टांग प्रणाम करते हैं, मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसा पुत्र ना कभी हुआ है और ना कभी होगा, छोटे भाइयों से अधिक प्रेम करते हैं, वे बहुत भोला है, मर्यादा का पूर्णतः पालन करता है। राम की प्रशंसा करते करते दशरथ का जी भर आया, उन्होंने कहा, गुरुजी मैं आपसे कहता हूँ कि राम के बिना मेरे प्राण चले जाएंगे। बोले जगत में दशरथ सा पिता नहीं हुआ और राम सा पुत्र नहीं हुआ। राम जब वन में गए तो दशरथ जी ने अपनी अंतिम सांस तक राम नाम ही लिया। उन्होंने कौशल्या से बार बार पूछा, राम कहाँ है, मुझे कोई राम के पास ले चलो, मैं राम के बिना जी नहीं सकता। और राम के वन गमन के साथ ही दशरथ ने के प्राण पखेरु उड़ गए। रामायण का एक एक पात्र दिव्य है। भरत के जैसा भाई भाई नहीं है, सीता जैसी कोई स्त्री नहीं है,
राम जी की अपेक्षा सीता का हृदय अति कोमल है। वाल्मीकि भी सीता के चरित्र का वर्णन करते हुए पिघल गए। उन्होंने कहा कि रामायण में राम जी का नहीं सीता जी का चरित्र अलौकिक है। राम जी सरल हैं किंतु सीता जी सरलता तो अद्भुत है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है, रावण के साथ युग की समाप्ति होने पर, अच्छा ये उन्होंने वो प्रसंग सुनाया है कि जब रावण से युद्ध की समाप्ति हो गई तो सीता जी से राम उन्होंने कहा हनुमान जी ने कि मैं आपसे एक वर मांगता हूँ। उनका क्या वर मांगते हो? उन्होंने कहा मैं इन राक्षसियों को जरा कष्ट पहुँचा दूँ। उन्होंने कहा, सीता जी ने कहा, मुझे आशीष तो दी फिर भी मेरे हृदय में एक इच्छा बाकी रह गई। हनुमान जी, पहले मैं लंका आया था तो देखा था कि राक्षस स्त्रियाँ आपको बहुत सताती थी, आपको डराती थी। अब राक्षसों का तो प्रभु ने विनाश कर दिया किंतु राक्षस स्त्रियाँ बाकी रह गई हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी आज्ञा और आशीर्वाद से इनका भी विनाश कर दो। ऐसा वरदान मांगना कोई ठीक बात नहीं है। सीता जी ने कहा ऐसा वरदान मत मांगो, इन्होंने तुम्हें बहुत सताया है, मैंने अपनी आँखों से देखा था। माता जी हनुमान को उपदेश देने लगी, बेटा अपकार का बदला उपकार से देता है वही संत है। जो अपकार का बदला उपकार से देता है वही संत है। इन राक्षसियों का कोई दोष नहीं है, ये तो रावण की आज्ञा का पालन कर रही थी। वे दुख तो मेरे ही कर्मों का फल था, मैंने लक्ष्मण को बुरी तरह बोला, लक्ष्मण पर शक किया था। इन राक्षसियों को वर देकर अयोध्या में चलूंगी, मैं राक्षसियों को वर दे के जाऊँगी, मैं वैसा आशीर्वाद तुम्हें नहीं दे सकती। हनुमान जी ने वंदन करते हुए कहा, माता जी आपके सिवाय ऐसी दया तो किसी में नहीं है। राक्षसों के लिए राम कठोर थे किंतु राक्षसियों के लिए सीता जी दयालु थी। राक्षसियों को सीता जी ने आशीर्वाद दिया, सीता जी जैसी दयालु स्त्री कोई ना हुई है ना होगी, वे साक्षात दया की मूर्ति है। अब राम दशरथ जी राम को छोड़ना नहीं चाहते तो वशिष्ठ जी ने समझाया कि इनके जन्माक्षर में लिखा है कि इसी वर्ष में इन चारों भाइयों का विवाह होगा, आप इनको भेज दीजिए और इनका मंगल होगा और इनका विवाह भी होगा। दशरथ विवाह की बात सुनकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने झट इनको भेज राम लक्ष्मण को भेज दिया। कौशल्या ने भी पिता की आज्ञा का पालन करने को कहा। नारद जी ने कौशल्या को पहले ही राम लक्ष्मण के विवाह का योग बता दिया था। रामकृष्ण को माखन और शक्कर से बड़ा प्रेम है। कौशल्या ने कहा, जीवन को मधुर बनाना, जीवन में सद्गुण से ही मिठास आती है, सभी को मान दोगे तो तुम्हारा अपना जीवन शक्कर सा मीठा मधुर हो जाएगा। कह रहे सभी को मान दो, एक्चुअली बोली का बहुत फर्क पड़ता है। आप प्रेम से बोलिए, मीठा बोलिए, नहीं तो चुप रहिए। जब हमें गुस्सा आता है हम कड़वा बोल जाते हैं तो उससे सब रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। मीठा बोलो। जिसके जीवन मधुरता नहीं है भगवान को प्यारा नहीं है, असल प्यारा नहीं है। महादान और द्रव दान से भी बड़ा दान मान दान, महादान और द्रव्य दान से भी बड़ा महान दान है, मान दान श्रेष्ठ दान है। इसमें एक पैसा तक व्यय नहीं होता, सभी को मान दो। जो कर्कश वाणी नहीं बोलता, जो किसी का अहित नहीं करता, उसके जीवन में शक्कर सी मिठास आ जाती है। कौशल्या ने विश्वामित्र से कहा, मेरे राम को माखन मिश्री खिलाइएगा नहीं तो वे दुर्बल हो जाएंगे। जिस समय विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण चल दिए उस समय कितने शोभायमान थे विश्वामित्र, अर्थात सारे विश्व के मित्र। विशस्य मित्रा सा विश्वामित्र, बोले जो सारे जगत का मित्र है वो ही विश्वामित्र है। तुम जगत के मित्र बनोगे तो राम लक्ष्मण तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, तुम जगत के मित्र बनोगे तो राम लक्ष्मण तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। राम ही परब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म के बिना परब्रह्म प्रकट नहीं होता। विश्वामित्र के पीछे पीछे राम लक्ष्मण चल दिए, मार्म ताड़का का उद्धार किया। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बला और अति बला विद्या दी थी, सोने भूख प्यास ही नहीं लगती थी। बला और अति बल्या विद्या दी थी, सोने भूख प्यास ही लगती थी। वे सब आश्रम में आए। राम ने विश्वामित्र से कहा, गुरुजी आप अपने यज्ञ आरम्भ करें, मैं उसकी रक्षा करूँगा। जनकपुरी के निकट ऋषि विश्वामित्र का सिद्ध आश्रम है, वहाँ वे तप और यज्ञ करते हैं। विशाल यज्ञ मंडप बनाया गया। राम लक्ष्मण धनुष बाण से सुसज्जित होकर यज्ञ की रक्षा करने खड़े थे। राम को जीव को अपनाने के लिए तत्पर है किंतु यह अभागा जीव उनसे मिलने को आतुर नहीं। श्री राम अजान बाहु हैं, किसी ने कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरे भक्त मुझसे मिलने आते हैं।
उनमें यदि कोई भक्त मोटा हो तो मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं बहुत, मेरी बाहें लंबी हैं, मुझसे मिलने के लिए आने वाले भक्तों का आलिंगन देने के लिए मैंने हाथ लंबे रखे। राम वानर पशु भी को भी वे आलिंगन देते हैं। राम जी सभी से प्रेम करते हैं, हमेशा धनुष बाण अपने साथ रखते हैं। धनुष बाण के बिना राम के दर्शन नहीं होते, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे अंतरपुर में सीता जी के साथ हो। उपनिषद में धनुष को ओंकार की उपमा दी गई है, ओंकार यानी ज्ञान, और धनुष ज्ञान का स्वरूप है, बाण विवेक का स्वरूप है। तो राम जी हमेशा ज्ञान और विवेक को अपने साथ रखते हैं। कामरूपी राक्षस ना जाने कब विघ्न करने आ जाए, इसलिए काम राक्षस तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है, तुम्हें पराजित करने आ रहा है। राम की बात ही, तुम भी धनुष बाण से सुसज्जित रहो। राम का स्वरूप अद्भुत है। अब उन्होंने क्या करा कि जब सारे राक्षस इनको देखते थे, मारीच वगैरह, तो राम को देखते ही रह जाते थे और उनका भी स्वभाव बदल गया, मारीच का भी स्वभाव। बोले अगर राम का जप करके, भगवान के नाम का जप करके तुम्हारा स्वभाव ना बदले तो तुम राक्षस से भी अधम। राम का स्वरूप अद्भुत है। शूर्पणखा जैसी राक्षसी थी, फिर भी मन में राम को पति स्वरूप में पाने की इच्छा जागी थी। हृदय तो उस राक्षसी से भी कठोर है कि हमारे मन में राम को पाने की इच्छा नहीं होती। बोले उसकी तो, शूर्पणखा की तो राम को पाने की इच्छा हुई, और हमारी राम को पाने की इच्छा नहीं हुई। राक्षस जान गए कि विश्वामित्र ने यज्ञ का आरंभ किया है, तो वे बाधा डालने आ पहुँचे। रामचंद्र जी के बार बार दर्शन होने से मारीच का स्वभाव बदल गया। जिसके दर्शन से स्वभाव बदलता है वही ईश्वर। मारीच ने सोचा कि विश्वामित्र के इस यज्ञ में विघ्न करना ठीक नहीं है। आज मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आ रहा है? शायद इन बालकों को देखकर मेरा मन बदल गया है। आज मेरा मन मेरे बस में नहीं है, इन बालकों से मिलने की इच्छा हो रही है। मारीच था तो राक्षस, फिर भी राम के दर्शन से उसकी बुद्धि सुधर गई। आजकल के लोग राम के दर्शन करने तो जाते हैं, किंतु दर्शन के बाद उनकी बुद्धि नहीं सुधरती। राम को याद करने से सारा जगत मातवत दिखता है। अब एकनाथ जी ने लिखा है अपनी रामायण में कि रावण जो है कुंभकर्ण को जगाने गया, तो कुंभकर्ण ने कहा भाई मुझे क्यों जगाया? तो उसने कहा कि मैं राम जी की पत्नी को उठा लाया था, सीता जी को उठा लाया था। उन्होंने कहा तेरी इच्छा पूरी हुई? तो उसने कहा नहीं, मेरी इच्छा पूरी तो नहीं हुई, सीता जो है वो बहुत पतिव्रता है, मैं कुछ कर ही नहीं पाया। तो उन्होंने कहा तू राम का वेश बना के जा। बोले पता नहीं उसमें क्या वो गुण है राम में कि मैं उसका वेश धारण करता हूँ तो मुझे सीता जो है वो माता जैसी लगने लगती है। तो कुंभकर्ण कहते हैं कि उसके नकली वेश में अगर इतनी ताकत है तो वो ईश्वर है, तो उससे क्यों वैर मोल रहा है, तो छोड़ दे उसको, जाने दे। तो रावण कहता है मैं राम की शत्रु भाव से भक्ति करता हूँ, यदि मैं अकेला ही भक्ति करूँ तो मेरा कल्याण होगा, किंतु शत्रु भाव रखूँ तो मेरे सारे वंश का कल्याण। ये सभी राक्षस तामसी हैं, वे जप तप ध्यान सेवा पूजा तो कर नहीं सकते। रामचंद्र जी के साथ शत्रुता होगी तो युद्ध होगा, राम का प्रत्यक्ष दर्शन होगा और राम दर्शन से सभी का उद्धार हो। अपने सारे वंश के कल्याण के हेतु मैंने राम से शत्रुता की है। यह करते समय तुम भी अपने प्रत्येक द्वार पर राम लक्ष्मण को बिठा लेना। जब कथा श्रवण नारायण से मानसिक मिलन आदि यज्ञ ही हैं जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। तो मानसिक सेवा तुम राम से हृदय मिल सकते हो, नहीं राम लक्ष्मण से मिल सकते। विश्वामित्र का यज्ञ समाप्त होने पर था कि जनकपुरी से निमंत्रण पत्रिका आई और सीता जी का स्वयंवर होने जा रहा है। यज्ञ आदि से निवृत्त होकर राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जनकपुरी की ओर निकल पड़े। मार में अहिल्या का उद्धार किया तो राम जी ने कहा भाई मैं तो छूंगा नहीं उसको अपने चरण से भी। तो राम जी की चरण की धूली उड़कर अहिल्या जो पत्थर बनी हुई थी उस पर पड़ी और वो स्त्री बन गई। बोलिए रघुपति रामचंद्र भगवान की जय। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राज जनक की सभा में आए। इन कुमारों को देख के जनक सोचने लगे कि ये ऋषि कुमार है या राजकुमार।
उन्होंने विश्वामित्र से पूछा ये कौन है। विश्वामित्र बोले कि तुम तो महाज्ञानी हो, तुम स्वयं ही निर्णय कर लो ये कौन है। जनक का एक और नाम है विधेय, जो विधेय होकर भी देह में से अस्पर्श रहे वही विधेय है। विधेय जीते जी मुक्त थे। जनक तो सुखदेव जी के भी गुरु हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो मेरा मन किसी की ओर नहीं खींचता, राज जनक ने कहा, पर मेरा मन इन बालकों की ओर खींच रहा है, तो ये वास्तव में ईश्वर ही है, ये और कोई नहीं है, ये साक्षात ईश्वर हैं। विश्वामित्र कहने लगे राजन ये तो तुम्हारी दृष्टि का गुण है, ज्ञानी अभेद भाव से चिंतन करते हैं, तुम्हारी वृत्ति ब्रह्माकार है, सो तुम्हें ऐसा लगता है, अन्यथा ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।